हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 5वीं की मराठी पाठ 4, ही पी से कुणाची, ये पंख किसके हैं। तो इसमें हम देखेंगे, आपको कई सारे बर्ड्स के नाम पता चलेगा, इसमें कई सारे चिड़िया के। ठीक है, तो ये मीनू है और ये कहानी मीनू पे ही है। ठीक है, मतलब मीनू से रिलेटेड है, मीनू को ही ये पंख मिलते हैं और किस तरीके से कहानी स्टार्ट होती है, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। मीनूचे घर शेतात होते। मीनू का जो घर है वो कैसे खेत के बीच में है। ठीक है, शेतात मतलब खेत खलियान जो है उसके बीच में है, या आप कह सकते हैं कि उसके घर के पास में क्या है, सब खेत है। यहाँ पे देखो, उसका घर है और ये सब चारों तरफ क्या है, खेत है, खलियान है, शिवार है। ठीक है, ती खेलता खेलता वो खेलते खेलते घरा पासून खूब दूर आली। वो घर के पास से नहीं, मतलब घर के बहुत दूर आ गई है। ठीक है, खेलते खेलते वो बहुत दूर आ जाती है घर से। आप देख सकते हो यहाँ पे उसका घर काफी, वो अपने घर से काफी दूर आ गई है खेलते खेलते। तिला दोन पीसे दिसली, और तभी उसे दो पंख दिखते हैं, दिसली मतलब दिखते हैं। तीने ती पीसे उचलली, तो उसने क्या किया, उन दोनों पंखों को उठा लिया। तिला ती पीसे खूब पावड़ लली, तो उसे ये जो दोनों पंख हैं बहुत ही अच्छे लगते हैं। आउडली का मतलब क्या होता है, आउडली का मतलब होता है, आउडली का मतलब पसंद आना। ठीक है, तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है वो दोनों पंख। तिला वाटेत एक कोमड़ी दिसली, और तभी वहाँ पे उसे तिला वाटेत और तभी उसे यहाँ पे एक कोमड़ी दिखती है। कोमड़ी कौन है, ये जो हैन है, मुर्गी। ये देखो, ये मुर्गी है ना, वो उसे दिखती है जब ये पंख उठाती है, देखती है तो उसे ये क्या, कौन दिखता है यहाँ पे, कोमड़ी। कोमड़ी का मतलब होता है मुर्गी। मीनूला वाटले, वाटले मतलब मीनू सोचने लगी। मीनू क्या सोचने लगी, वाटले का मतलब होता है सोचना। ही पीसे ये पंख नक्कीच कोमड़ीची असनार, तो ये पक्का कोमड़ी का ही होगा ये दोनों पंख। मरुन तीने कोमड़ीला विचार ले, इसीलिए उसने क्या किया, कोमड़ी से पूछा। कोमड़ी ताई ही पीसे तुझी आहेत का, तो बोलती है ऐसे, कोमड़ी ताई मतलब कोमड़ी बहन ये पंख तुम्हारे हैं क्या, आहेत मतलब तुझे, आहेत मतलब ये तुम्हारे हैं क्या, तो इस तरीके से पूछती है। कोमड़ी ने पिसा करने निरखून पहले, तो जो कोमड़ी है, जो मुर्गी है, वो पंखों को बहुत ही निरखती है, मतलब बहुत ही ध्यान से केयरफुली देखती है। पहले मतलब यहाँ पे देखती है। नाही गबाई ही पिस माझी नाहीत, तो बोलती है नहीं बहन, ये पंख मेरे नहीं हैं। असे मरुन कोमड़ी खुराड्या जाऊन बसली, ऐसा कह के, ऐसा बोल के जो कोमड़ी है वो खुराड्या मतलब कूप में, अपने घर में, जो उसका इस तरीके से घर होता है ना, तो इस तरीके से होता है, उसमें जाके वो बैठ गई। ठीक है, जाऊन बसली मतलब उसमें जाके वो बैठ गई। कुणाची आहेत बर ही पीस, तो ये सोचने लगती है कि ये पंख किसके हो सकते हैं। असे मरत मीनू एका झाड़ा जवड़ आली, तो ऐसा सोचते हुए मीनू, मतलब अपने मन में ऐसा कहते हुए मीनू एक झाड़ के पास, झाड़ा जवड़ मतलब जवड़ का मतलब होता है पास, तो झाड़ के पास आती है। तीला झाड़ावर पांडर्या, और उस झाड़ पे एक वाइट, पांडर्या का मतलब होता है वाइट, ये देखो ये है, इसकी बात कर रही है, पिजन की, ये कबूतर है। करड़िया रंगाचे एक कबूतर दिसले, तो एक वाइट और करड़िया मतलब कि ग्रे, जो हल्का काला होता है, उस रंग का उसे क्या दिखता है, कबूतर दिखता है, पिजन। ओके, त्याला पाहुन मीनूला वाटले, तो उससे मीनू बोलती है, वाटले मतलब बोलती है, बात करती है। याची तर नाही थी पिसर, मतलब यहाँ पे वो सोचती है, याची तर नाही थी पिसर, तीने कबूतरला विचारे, तो वो पूछती है कि ये पंख तुम्हारे नहीं है, उससे पूछती क्या ये पंख तुम्हारे नहीं है। तीने कबूतर विचारे, इस पे कबूतर बोलता है, कबूतर मतलब कि एक मिनट देखो, यहाँ पे ये सोचती है याची तर नाही थी पिसर, तो क्या ये पंख इसके नहीं है, तो ये उसने कबूतर से पूछा, कबूतर दादा ही पिसर तुझी नाहित का, तुझी आहित का, ये जो पंख हैं ये तुम्हारे हैं क्या, मतलब यहाँ पे वो पहले सोचती है अपने मन में, याची तर नाही थी पिसर, तो उसे लगता है, उसे उसने मन में सोचा कि ये पीस इसके शायद नहीं है,
फिर भी वो कबूतर से पूछ लेती है, ठीक है एक बार पूछ के देखती हूँ। तो बोलते क्योंकि उसे वो जो पंख मिले थे वो कबूतर के, जो कबूतर है पिजन है उसके जैसे नहीं दिख रहे थे, उसका कलर से उससे मैच नहीं हो रहा था, इसीलिए उसने यहाँ पे मन में सोचा शायद ये पीस उसके, मतलब ये जो पीसे हैं दोनों पंख हैं ये उसके शायद नहीं है। फिर भी तीने कबूतर ला विचार ले, फिर भी वो विचार करती है, पूछती है कबूतर से, कबूतर दादा ही पीसे तुझी ना आहेत का, तो पूछते ये तुम्हारा है क्या, कबूतर मान ले नहीं गबाई ही पीस माझी नाहीत, तो कबूतर बोलता है नहीं बहन ये मेरा पीस नहीं है, मतलब ये मेरा पंख नहीं है, मेरा फेदर नहीं है। कोणाची आहेत बर ही पीस, ये पंख किसका है, या विचारत मीनू पुढ़े निघाली, ये सोचते सोचते मीनू आगे बढ़ जाती है, आगे निकल जाती है, पुढ़े का मतलब होता है आगे। समोरून आपला पिसारा सावरत मोरेत होता, समोरून, समोरून का मतलब यहाँ पे कि यहाँ पे सामने से, सामने से कौन यहाँ पे एक दिख रहा है, सामने से एक पिसारा, मतलब कि अपने पंख को यहाँ पे संवारते हुए, ठीक है अपने पंखों को संवारते हुए मोर आता हुआ दिखता है, सामने दिखता है। त्याची ऐटदार चाल आणि रंग बिरंगी लांब सड़क पिसारा खूब मोहक दिसत होता, तो उसकी जो ऐटदार चाल थी, मतलब जो मोर है उसकी जो चाल है, जो चलने का स्टाइल है वो कैसा है, ऐटदार मतलब बहुत ही लाइक गर्वीला है, मतलब गर्व में चल रहा है, ठीक है बहुत ही वो प्राउडली चल रहा है, ठीक है। ऐटदार का मतलब होता है गर्व से चलना, बहुत ही प्राउडली वो चल रहा था क्योंकि वो बहुत ही सुंदर है, और उसके जो उसकी जो चाल है कैसे थे, ऐटदार थी। और आनी और रंग बिरंगी, बहुत ही रंग बिरंगे लाम सड़क, लाम सड़क का मतलब लंबे पंखों का गुच्छा, ठीक है लंबे पंखों का गुच्छा, उसका पूरा पंख है पूरा लंबे सड़क तक, ठीक है पूरा इस तरीके से देखो यहाँ पे, तो इस तरीके से कितना लंबा उसका पंख रहता है, लाम सड़क पिसारा, उसका इतना लंबा जो पिसारा है पंख है, तो लाम सड़क मतलब लंबा गुच्छा, ठीक है लंबे गुच्छों का जो उसका पंख है, खूब मोहक दिसत होते, बहुत ही मनमोहक दिखाई, बहुत ही सुंदर दिख रहे थे। तीने आपल्या हातातील पिसे निरखून बघितले, तो यहाँ पे मतलब जो मीनू है वो अपने हाथ में जो रखी हुई है, मतलब जो दोनों पंख को अच्छे से केयरफुली देखती है, बगितली मतलब देखती है अच्छे से, निरखती है उसे परखती है। ही पीसे नक्किच मुराची ना है, तो मतलब बोलते हैं आई एम श्योर ये पंख तो उसकी नहीं हो सकते, पक्का नक्किच मतलब पक्का श्योर ये पंख उसकी नहीं हो सकते, क्योंकि बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहे थे उसके पंख से। हमें पता है कि जो मोर का पंख होता है सबसे डिफरेंट होता है, सबसे सुंदर। हे तिला जानवले, तो यहाँ पे जानवरे का मतलब क्या है कि मतलब जानना, पता चल गया, ये तो पता चल गया कि ये पक्का इसका पंख नहीं है। तरी ही तीने मोराला विचार ले, तभी भी उसने क्या किया, मोर से उसने पूछा, अरे मोरा ही पीछे कुड़ाची आहे, तो ये मोर ये पंख किसके हैं, ये तुला माहित आहे का, ये तुम्हें पता है क्या। मोरा ने पिसांचे निरीक्षण के लिए, मोर ने जो पंख है उसका निरीक्षण किया, अच्छे से देखा ध्यानपूर्वक, ठीक है अच्छे से उसे जांचा परखा, तो मढ़ाला, फिर उसने बोला ही तर बदकाची आहे, ये पंख तो बदक का है, बदक मतलब जो डक होता है, बतख जो कि पानी में रहता है ना, पानी के आसपास आप देखोगे तालाब वगैरह। मीनूला खूब आनंद छाला, अब मीनू बहुत खुश हो जाती है, बहुत आनंदित हो जाती है क्योंकि उसे पता चल गया किसका है, उसे ढूंढ रही थी वो। तीने मुराला विचार ले, मला बदक कोठे भेटेल, तो उसने मोर से बोला, किसने, मीनू ने मोर से पूछा मुझे बदक जो है वो कहाँ मिलेगा, कोठे भेटेल मतलब कहाँ मिल सकता है वो। मोरा ने बदकाचा पता सांगितला, तो मोर ने क्या किया, बदक का पता बता दिया, पता मतलब एड्रेस बताया उसका, ठीक है कहाँ पे वो रहता है। त्याचे आभार मानून मीनू परतच नदीवर आली, तो कहाँ पे बताया उसने, नदी के पास में, उसका एड्रेस कहाँ बताया, नदी के पास में, उसका आभार मान के मीनू ने क्या किया, वो नदी के पास आ गई, परतच मतलब, परतच का मतलब भागते हुए, भागते हुए वो कहाँ पे आती है, नदी के पास में आ जाती है। नदी किनारी दाट झाड़ी होती, नदी के किनारे बहुत ही घनी झाड़ी थी, ठीक है, तीने वहीं पे बदकाला हाक मार ली, उसने मीनू ने उसने बदक को वहां से हाक मारा, मतलब पुकारा उसे आवाज दी, ठीक है। बदक झाड़ी तुन बाहर आले, बदक क्या किया, झाड़ी से बाहर आया। मीनू ने त्याच्या समोर हातातील पीसे धर ली आणि त्याला मान ली, ही तुझे पीसा मला सापडली आहेत, तो यहाँ पे वो क्या बोलती है, मीनू, मीनू ने त्याचा समोर, तो उसने क्या किया उसके सामने, त्याचा समोर मतलब मीनू ने उसके सामने हाथ पे पंख जो थे, जो उसने पंख धरे हुए थे हाथ पे अपने रखे हुए थे, उसको दिखा के वो बोली ये तुम्हारा पंख मुझे मिला है,
ठीक है, सापड़ली मतलब होता है मिलना, तो ये तुम्हारे पंख हैं जो कि मुझे मिला है। मैं तुला शोधत होते, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी, खोज रही थी, शोधत मतलब खोजना है, ढूंढना है, ही घे तुझे पीस, ये लो अपना पीस, मतलब पीस मतलब कि ये लो अपना पीस मतलब कि अपना पंख लो, फेदर्स लो। बतकाला मीनू से कौतुक वाटले, बतख जो है वो मीनू को बहुत ही कौतुक से देखता है, कौतुक मतलब बहुत ही आश्चर्यचकित होकर देखता है, देखता देखने लगता है उसको। बदक मीनूला मार ले, बदक मीनू से बोला, मीनू तू माझी पिसा देने साठी इतक्या दूर आलिस, तो बोलता है मीनू तू मेरा पंख देने के लिए, देने साठी मतलब देने के लिए, इतक्या मतलब इतनी दूर आई है, मरुन ही पिसा तुझा जवर दे ठेव। तो यहाँ पे क्या बोलता है वो, मरुन ही पिस मतलब कि ये पीस तुझे तुझा जवर जवर ठेव, मतलब कि यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि तू मुझे इतना दूर देने आई है, एकदा पिस गड़ून पड़ ली, तो ऐसे बोलता है कि ये पीस जो है तू अपने पास ही रख, ठीक है। तो जवर का मतलब मैंने बताया कि होता है, जवर का मतलब होता है पास, तो मरुन मैं बोल रहा हूँ कि ये पंख जो है तू अपने पास ही रख, एकदा पिस गड़ून पड़ ली, तो एक बार जो पंख गिर जाती है, गिर पड़ जाती है मतलब गिर जाती है, कि ती पुनः जोड़ ली जात नहीं, तो फिर उसे पुनः मतलब वापिस जोड़ा नहीं जा सकता। तुला अशीच वेग वेगड़ी पिस सापड़ ली तर ती तू संभाळून ठेव। तो यहाँ पे बोलता है, क्या बोलता है वो यहाँ पे, कि ये जो पंख है इसे तू ही रखी से, ठीक है। तो ये जो पंख है, ऐसा जो वेग वेगड़ी का मतलब यहाँ पे क्या है, वेग वेगड़ी का मतलब होता है कि किस तरीके से वो अलग अलग हो जाते हैं ना, तो ये जो पंख तुला जो तुझे जो ऐसे पंख मिले हैं वो अलग अलग हैं, ये पंख अलग अलग हैं। सापड़ली का मतलब यहाँ पे क्या है, सापड़ली का मतलब है मिला है, ठीक है। तर ती तू संभालू ठेव, तो ये ऐसे जो पंख हैं जो कि अलग अलग हो जाते हैं जब वो गिरते हैं, यहाँ पे उसने क्या बोला कि जब पंख एक बार गिर जाता है तो वो फिर से जोड़ा नहीं जाता, तो तुझे जो ऐसे पंख मिले हैं जो कि अलग अलग पंख हैं उसे सापड़ ली मतलब जो तुझे मिला है तो तू ही संभाल के रख। संभाड़ून मतलब कि यहाँ पे क्या है, संभाड़ून का मतलब संभालते हुए, तू ही इसे संभाल के रख। मीनू आनंदाने घरे आली, मीनू बहुत ही आनंदपूर्वक घर आ गई, खुशी खुशी घर आ गई, तीने बतकाने दिली ली, उसने बदक का दिया हुआ पंख अपने वहीत अपने बुक में ठेवली मतलब रख दिया, ठीक है। तो इसने क्या किया, उसको अपने बुक में रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक एक वर्ड का आपको मीनिंग बता दिया है। तो यहाँ पे क्या बोला उसने लास्ट में, हम देख लेते हैं एक बार फिर से, एक बार जो पंख गिर जाता है तो फिर उसे जोड़ा नहीं जाता। तुला आशीष तुझे ऐसे जो अलग अलग पंख वेग वेगड़ी मतलब अलग अलग जो पंख तुझे मिले हैं, ठीक है, वेग वेगड़ी मतलब अलग अलग पंख मिले हैं, तो इसे तू ही संभाल के रख, ठेव मतलब रख, संभाल मतलब संभाल के, संभालते हुए रख उसे। तो इस तरीके से वो खुशी खुशी घर आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे देखो उन दोनों के बीच में बात होती है, ये देखो ये है बतख जो कि नदी के पास में रह रहा है। सो आई होप कि बच्चों आपको समझ में आया होगा, कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करोगे तो पहला ऑप्शन रहता है ऑल का, ऑल पे क्लिक करना, उससे क्या होगा जब भी न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिए।